नमस्कार, मैं पूनम माथुर भावरा देवरो सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का चतुर्दशा पाठ, आर्य भट्टम। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही हमें इस लोक में, संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु अनेन माने इससे, न अवबोध्यम अस्ति, नहीं समझना चाहिए, यत सूर्यो गतिशीलः इति, कि सूर्य जो है वो गतिशील है, ऐसा हमें नहीं समझ लेना चाहिए। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलती है। यह स्वकीय अक्षे घूर्णति, और वह अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता, और ये सिद्धांत जो है, ये सांप्रतम माने अब, सुस्थापिता माने भली प्रकार से, ठीक प्रकार से स्थापित हो चुका है। सिद्धांतोऽयं प्रात्महीन येन प्रवर्तितः, सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज आर्य भट्टः। और यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रात्मेन येन प्रवर्तिता, सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विज आर्य भट्ट, ज्योतिष शास्त्री आर्य भट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, इस परंपरा और प्रचलित रूढ़ि को, तेन प्रत्यादिष्ठा, जिसके द्वारा उसका खंडन किया गया इस रूढ़ि का, कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, जिसने इसका खंडन किया, तेन उदाहंता, उन्होंने उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण दिया? यद गतिशीलाम नौकायाम उपविष्टः मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवति, कि जिस प्रकार से गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य जो है, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्वीयां अवस्थिता, और उसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर अवस्थिता माने स्थित हुआ मनुष्य जो है वो पृथ्वी में स्थिरान अनुभवती, वो पृथ्वी को तो स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहां च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको चलता हुआ महसूस करता है या समझता है। 476वें ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धान्विति, 476वीं ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, उनका जन्म हुआ। तेने विरचिते आर्यभटियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्, और ये बात जो है ये उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभटियम नाम का जो ग्रंथ है उसमें उल्लिखित है, उसमें लिखी हुई है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशति तमे वयसि विरचिति, और यह ग्रंथ जो है ये उन्होंने त्रयोविंशति तमे, अपने वर्ष, अपने आयु के 23वें वर्ष में रचा था, लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से भी हमें यह ज्ञात होता है। यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेशशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की प्रयोगशाला जो थी वो थी। अनेन इदम् अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, और इसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जो कर्मभूमि थी वह भी पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित शास्त्र से, गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदति, जिसमें संख्याओं का आकलन जो है, जोड़ घटाना जो है वो महत्वपूर्ण है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात ग्रह नक्षत्रों से जो भाग्य बताया जाता है उसमें उनको विश्वास नहीं था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। अब क्या है, गणित पद्धति से जो आकलन किया जाता है उसके आधार पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो ग्रहण होता है उसमें राहु और केतु नाम के दो दानवों का कोई भी कार्य नहीं है, वे दोनों कोई भी किसी प्रकार से उसका कारण नहीं है, ग्रहण पड़ने का ये कारण कोई नहीं है।
तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उसमें तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही एक कारण है। सूर्य परितः भ्रमतया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाली जो पृथ्वी है, जब वो चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाती है तदा ग्रहणं भवति, तब ग्रहण पड़ता है। यदा पृथ्व्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तदा चंद्र ग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथे पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणं दृश्यते। और उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचारणानां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम् अनुभवन्ति। आप सभी ने देखा होगा कि समाज में किसी प्रकार के जब नए विचार कोई रखता है तो सामान्य लोग जो हैं वो उसको स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो समाज में जो नए विचार आया तो उसको स्वीकारने में सामान्य लोगों ने कठिनाई का अनुभव किया। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथे आर्यभट्टस्य विरोधावत। उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ, तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की भी उपेक्षा की गई। सा पंडित मन्ने माना नाम उपहास पात्रम जाता, और स्वयं को उनसे अधिक विद्वान या पंडित समझने वाले लोगों ने उनका उपहास किया, उनकी हंसी उड़ाई। पुनरपि तस्से दृष्टि काल अति गामने दृष्टा। फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली सिद्ध हुई। आधुनिक वैज्ञानिक के तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। और आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके सिद्धांतों के प्रति आदर के भाव प्रकट किए। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी का क्या परिणाम हुआ, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। और वास्तव में भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा, इन दोनों ही परंपराओं के वे एक शिखर पुरुष थे। इस प्रकार से हमने इस पाठ को समझा। आप सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।